नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट देश दुनिया में लगातार फैलता जा रहा है, वहीं मौजूदा कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन को रोक पाने में भी कम कारगर है। इस बीच अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने एक ऐसी गोली तैयार करने का दावा किया है जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाएगी। कंपनी ने कहा कि ये गोली अगर लक्षण दिखने के 3 दिन के अंदर दी जाती है तो अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को 89% तक कम कर देगी। फाइजर कोविड पिल पर हुई स्टडी में कहा गया है कि गंभीर बीमारियों से जान बचाने का काम करती है। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उसकी एंटीवायरल पिल लैब में हुए परीक्षण में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ खरी उतरी है। यूरोप, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में इस वेरिएंट के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कहा कि हमें यकीन है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये कोरोना महामारी के खिलाफ सेहत को सुरक्षा कवच प्रदान करने में अहम साबित होगी। आपको बता दें, पिछले महीने ही फाइजर ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इस पिल के लिए मंजूरी मांगी थी। बता दें कि फाइजर ने जो टेबलेट तैयार की है उसका नाम पैक्सलोविड रखा गया है। फाइजर ने मंगलवार को कहा कि अगर पैक्सलोविड टेबलेट अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को 89% तक कम कर देती है अगर इसे 3 दिन के अंदर लिया जाए, और अगर इसे संक्रमण के 5 दिन के अंदर लिया जाता है तो खतरा 88% तक कम हो सकता है। ये दावा 2,246 वैक्सीन न लेने वाले वॉलेंटियर्स पर हुए परीक्षण के आधार पर किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।